आपकी वोट की ताकत से यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मेरी नंबर वहां लगती सबसे पीछे। और आपको एक और आप बात बताए, मैं आज पहली बार कोई मंच साझा कर रहा हूँ, वो आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ। भूमि पूजन का शुभारंभ होने जा रहा है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब के गांवों के फोकस के तहत विकास कार्य को देखते हुए ये नवगठित ग्राम पंचायत स्वीकार की। मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि अपन पहले आपको आस पड़ोस गांव में जाना पड़ता था, अब सभी काम इसी ग्राम पंचायत में होंगे। चाहे आपका ये पटवारियों का काम हो, ग्राम सेवक का काम हो, ई मित्र का काम हो, मिनी बैंक का काम हो, कृषि प्रवेशक का काम हो, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी जन हितकारी योजनाओं का, ये सब काम आपके इसी गांव में आलवारा ग्राम पंचायत में होगा। मैं आपको इसी मन से गहलोत साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये ग्राम पंचायत स्वीकृत की है। मैं आपको, मुझे जिला परिषद चुनाव के समय आप सभी सज्जनों ने जो मेरा सपोर्ट किया है, उसके लिए भी मैं आपके दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपके साथ मिलकर 24 घंटे काम करूंगा। मैं ये नहीं देखता मैं कौन सी पार्टी से जीत कर आया, वो नहीं। मैं आप सभी, चाहे मेरे साथ भाजपा मित्र हो, कांग्रेसी मित्र हो, किसान वर्ग हो, युवा साथी, बेरोजगार, कॉलेज के स्टूडेंट, नर्सिंग जो भी हो, मैं आपके लिए हर जगह तैयार मिलूंगा। ये आप लोग यूनियन की बरामदा में यहीं रहता हूं, आपको पता है मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर दूर है और मैं दीवाना, मेरा ऑफिस है बैंक के पास। आप कोई भी काम लेकर आ जाओगे मैं आपके लिए साथ चलूंगा। बिजली बोर्ड हो, तहसील बोर्ड हो, ग्राम पंचायत हो, आपकी हेल्प मुझे मिलेगी, मैं आपके लिए तैयार हूँ। मेरे ग्राम पंचायत जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के 13 सरपंच आते, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपन जिला परिषद से बजट लेकर आएंगे और ग्राम पंचायत का विकास करेंगे, नए आयाम स्थापित करेंगे। मैं एक बात और आपको कहता हूँ, शिक्षा विभाग की, अभी आलवारा का जालौर जिले का नाम राजस्थान में शोभा दिया है, वो इसी गांव का युवा है, खिदाराम पुत्र श्री नगाराम जी आलवारा। और एक मेरा जूनियर साथी जालाराम सुनो चिलाना भूलो का, वो भी राजस्थान में टॉपर आया है। तो आप एक बार ये भी मत भूलो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपन आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है अनार में भी आपके साथ सब संबद्ध हो रहा, तो हो सके तो आप वो पैसों की सही जगह उपयोग करके आप आने वाली पीढ़ी को आप आगे बढ़ाइए और पैसों का सदुपयोग करें। यूनिक के सियादिन है, प्लॉट भी लो तो देख के जाना, एक दो को पूछ कर यूनिक हजी रिश्ती हो जाना, अपन वहाँ अपना नुकसान हो जाए। मैं आप सभी युवा साथियों को एक बार, जो आपने मुझे आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आज आप सबको खुशी होगी कि रामाराम चौधरी यहाँ बैठा है, तो आपकी वजह से, आपकी वोट की ताकत से यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मेरी नंबर वहां लगती सबसे पीछे। और आपको एक और आप बात बताए, मैं आज पहली बार कोई मंच साझा कर रहा हूँ, वो आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ। आपको पता है मुझे कोई एक, ये भी देखो यहाँ एरिया है ना, ये कोई नाराज मत होना भाईसा, यहाँ भाजपा नेता को ज्यादा तवज्जो मिलती है और कांग्रेस को कम तवज्जो मिलती है। अब कहाँ जाए जीते वो एक आदमी बुला नहीं पड़ता है। आप लोगों ने देखा प्रोटोकॉल में मेरे से पहले पंचायत समिति सदस्यों का नाम चल रहे थे और रामाराम जिला परिषद के नाम बाद में आया। उन लोगों को पता नहीं है रामाराम यहाँ से जीते हुए जनप्रतिनिधि है। मैं सभी को सरपंच प्रतिनिधि साधाराम जी को भी बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, धन्यवाद।